नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पावर ई में। आज हम रिव्यू करेंगे स्वराज 735 XT को। 1975 से स्वराज 735 को लॉन्च किया गया था। स्वराज 735 स्वराज का बनने वाला दूसरा ट्रैक्टर है। स्वराज 735 के चार मॉडल आते हैं। पहला स्वराज 735 FE, दूसरा स्वराज 735 XT, तीसरा स्वराज 735 XM, चौथा स्वराज 735 FEE। इसके चार मॉडल आते हैं। चार मॉडल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। देखेंगे कि FE से कितना अलग है और क्या क्या डिफरेंस है। XT में दो कैटेगरी में है, एक 1 स्टार, एक 2 स्टार। सिर्फ 1 स्टार और 2 स्टार में डिफरेंस इतना है कि 1 स्टार में आपको सेंटर शिफ्ट गियरबॉक्स मिलेगा, 2 स्टार में आपको साइड शिफ्ट गियरबॉक्स मिलेगा। टायर साइज की बात की जाए तो फ्रंट टायर 6x16 का फ्रंट टायर दिया गया और रियर टायर 13x6x28 का दिया गया है। फ्रंट एक्सल की बात करें तो नॉन एडजस्टेबल बैंड एक्सल दिया गया है। अगर आप मैकेनिकल स्टीयरिंग लेते हैं तो आपको बैंड एक्सल मिलेगा, अगर आप पावर स्टीयरिंग लेते हैं तो आपको स्टेट एक्सल मिलेगा। इसकी पावर स्टीयरिंग की सिलेंडर की बात करें, सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग इसमें दिया गया है। इसकी इंजन की बात की जाए तो किर्लोस्कर का RV3XM+ इंजन दिया गया है। इस इंजन की SP की बात की जाए तो 40 HP 3 सिलेंडर 2734 CC का इंजन दिया गया है। रेटेड RPM की बात की जाए तो 1800 रेटेड RPM दिया गया है। एयर क्लीनर की बात की जाए तो 3 स्टेज ऑयल बैथटब का एयर क्लीनर दिया गया है। टॉर्क की बात की जाए तो 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया गया है। इंजन की लुक देखा जाए तो सामने आपको इनलाइन पंप दिया गया है ऑयल प्रेशर पाइप के साथ। उसी के नीचे ग्लॉसी फिल्टर और 2 डीजल फिल्टर दिख जाएंगे। पानी को अलग करने के लिए वाटर सेपरेटर भी दिया गया है। क्लच की बात की जाए तो स्टैंडर्ड सिंगल क्लच दिया गया है। इसमें ऑप्शन आता है, आप डुअल क्लच भी ले सकते हैं। क्लच की साइज की बात की जाए तो सिंगल क्लच 305 mm 12 इंच का क्लच दिया गया है और डुअल क्लच 280 mm 11 इंच का दिया गया है। वहीं दूसरे साइड देखा जाए तो TVS लूकस का अल्टरनेटर आपको दिख जाएगा। 36 एम्पियर का अल्टरनेटर दिया गया है। उसी के साइड में प्लास्टिक का फैन दिया गया है। उसी के नीचे आपको 2 हाइड्रोलिक पंप दिख जाएंगे। एक पंप पावर स्टीयरिंग के लिए दिया गया है, एक हाइड्रोलिक के लिए दिया गया है। दोनों पंप की फ्लो स्पीड 27 LPM का दिया गया है। उसी के आगे स्टार्टर मोटर दिया गया है। उसी के आगे बैटरी बॉक्स दिख जाएगी। बैटरी की बात की जाए तो 88 AH की एक साइड की बैटरी दी गई है। बैटरी को बाहर साइड कर दिया गया है, लिक्विड बॉडी पे ना गिरे। बैटरी बॉक्स के साइड में आपको हाइड्रोलिक फिल्टर दिख जाएगी। ये हाइड्रोलिक फिल्टर और पावर स्टीयरिंग फिल्टर दोनों एक ही के लिए 2.5 लीटर का हाइड्रोलिक फिल्टर दिया गया है। हम जिस ट्रैक्टर का रिव्यू कर रहे हैं वो पुराना मॉडल है। उससे अभी अभी नया मॉडल लॉन्च हुआ है, उसमें आपको इंडिपेंडेंट पावर स्टीयरिंग ऑयल टैंक भी मिल जाएगा। ब्रेक की बात की जाए तो स्टैंडर्ड ड्राई डिस्क ब्रेक दिया गया है। आप ऑप्शन में ऑल इमर्स ब्रेक भी ले सकते हैं। सीट के नीचे आपको आइसोलेटर वाल्व दिख जाएगी। उसी की साइड में आपको ट्रांसपोर्ट लॉक दिख जाएगी। अगर ऊपर चढ़ के देखा जाए कि किस प्रकार का दिखता है, राइट साइड में आपको मिरर दिख जाएगी। ऊपर चढ़ने के बाद सामने से इस स्टाइल में आपको लुक दिख जाएगा। फ्यूल टैंक की बात करें तो 50 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है जो की लॉक सिस्टम के साथ आता है। साइड में देखा जाए तो कंफर्ट के लिए फुटरेस्ट दिया गया है जिससे आप पैर फैलाकर ड्राइव कर सकते हो। सामने आपको स्टीयरिंग दिख जाएगी। स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा दिया गया है। उसी में आपको हॉर्न के लिए भी दिया गया है। कोई कंपनी स्टीयरिंग में हॉर्न नहीं देती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो इंडिपेंडेंट मीटर दिया गया है, इसका मतलब अलग अलग मीटर दिया गया है। उसी के नीचे की सॉकेट और लाइट के लिए बटन दी गई है। उसी साइड में आपको लेफ्ट राइट का बटन दिख जाएगी। प्लेटफॉर्म की बात करें तो सेंटर में थोड़ा सा हाइट दिया गया है, पहले से काफ़ी सुधार किया गया है। गियर बॉक्स की बात की जाए तो 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स का साइड शिफ्ट स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स दिया गया है।
हाइड्रोलिक की बात की जाए तो इसमें दो लीवर दिया गया है, एक पोजीशन कंट्रोल, दूसरा ड्राफ्ट कंट्रोल। पोजीशन कंट्रोल से आप किसी भी इम्प्लीमेंट या ट्रॉली को ऊपर नीचे कर सकते हैं और ड्राफ्ट कंट्रोल से गहराई ले सकते हैं। उसी साइड में आपको मोबाइल चार्जर बॉक्स दिया गया है, इसमें आप मोबाइल रख सकते हैं और इसको लॉक भी कर सकते हैं। दूसरे साइड आपको हाई लो गियर मिल जाएगा, उसी के पीछे आपको पीडीओ का लीवर मिल जाएगा। अगर आप इसे पीछे करते हैं तो 540 का सिंगल पीडीओ दिया गया है, डुअल पीडीओ का ऑप्शन इसमें नहीं आता है। उसी की साइड में टूल बॉक्स दिया गया है, टूल बॉक्स एडजस्टेबल टूल बॉक्स दिया गया है, आप ऊपर नीचे अपने ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर पीछे से देखा जाए तो पीछे से इस स्टाइल में लुक दिखेगी आपको। हिच की बात करें तो 5 होल दी गई है जिसे आप 4 वे में एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी पीडीओ एसपी की बात की जाए तो कंपनी ने पीडीओ एसपी नहीं बताया है, 26.1 पीडीओ के भी दिया गया है। इसके कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें 36 एसपी का पीडीओ पावर दिया गया है। इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो 1200 किलोग्राम दी गई है, जो 40 एसपी रेंज में कम है। इसकी लोअर लिंक मैं आपको नहीं दिखा सकता। सीट के पीछे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है, उसी के साइड में आपको वाटर बोतल होल्डर दिख जाएगी और सीट एडजस्टेबल सीट दिया गया है। उसी के नीचे आपको ट्रिप एंड सेंसिंग दी गई है, सबसे ऊपर वाला होल नरम मिट्टी के लिए दिया गया है, 20 वाला होल मीडियम मिट्टी के लिए दिया गया है और नीचे वाला होल कड़क मिट्टी के लिए दिया गया है। उसी के साइड में आपको पावर सॉकेट दिया गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।